आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन बीम है जिसको एक्सेलरेट करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू अपने पास 2000 वोल्ट। तो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड गेन करेगा वो अपने को फाइंड आउट करनी है, और जो स्पीड है वो अपने को मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को पता है कि जो स्पीड गेन बाई, तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगी, वो होगी मेरे पास वर्क डन बाई फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो फील्ड होगा, इसने कितना वर्क डन किया वो अपने पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इनिशियली उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली इसकी जो वेलोसिटी उसको मैं वी एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाई, जो अपना फील्ड होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ये होता है क्यू, क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा ई, जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सारी, तो मेरे क्या पता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, वो होता है मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे जो डाटा है उसको पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जाएगा हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और डेल्टा भी है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1.6 है इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, वी ई स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। यहाँ पे अब मैं सारा जो डाटा है वो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 64 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, 31 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा मेरे पास 19 हो जाएगा 20 आ जाएगा मेरे पास। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 64 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 34 माइनस 20। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जो वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर वो आ जाएगा 64 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी निकालने क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो वी ई स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 64 का आ जाएगा 8 और 9 का आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, और जब ऑप्शन चेक करूंगा 8 बाई 3 10 टू द पावर 7, तो जो ऑप्शन अपना ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।